हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज़ डॉक्टर छवि गर्ग। वेलकम टू माय चैनल कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का जो टॉपिक है डिग्री, उसका पार्ट टू। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था डिग्री का मीनिंग क्या है, डिग्री की कंटेंट क्या है एंड व्हाट आर एसेंशियल ऑफ डिग्री। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिग्री। देखिए, ये तो आपको पता चल ही गया है कि डिग्री किसे कहते हैं, कि जब भी कोर्ट में कोई भी मैटर जाता है तो उसकी दो पार्टी होती है, एक प्लेंटिफ होता है, एक आपका डिफेंडेंट होता है। तो दोनों पार्टी के अपने अपने राइट और लाइबिलिटी को वो क्लेम करते हैं। तो जब कोर्ट एक ऑर्डर, जो जजमेंट दिया जाता है, उसके बेसिस पे पार्टीज के राइट और लाइबिलिटी को डिसाइड कर देता है, और जब वो डिसाइड करता है तो जब वो कोर्ट में प्रोनाउंस करता है उसे तो हम जजमेंट बोलते हैं, लेकिन फिर उस जजमेंट के बेसिस पे एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन जो है तैयार होता है, जिसे हम डिक्री बोलते हैं। तो डिक्री से पहले जजमेंट आता है और फिर डिक्री आती है, इसीलिए डिक्री और जजमेंट की डेट एक जैसी होती है, क्योंकि जिस दिन जजमेंट डिक्लेयर किया गया है वही डेट हम डिक्री की मानते हैं। तो अब हम देखेंगे डिग्री कितने टाइप्स की होती है। देखिए, डिग्री जो है तीन टाइप की होगी आपकी। पहली प्रिलिमिनरी, सेकंड फाइनल डिग्री, और थर्ड होती है आपकी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। देखिए, जैसे कि प्रिलिमिनरी डिग्री है, इसके नाम से ही सजेस्ट होता है कि जब भी कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई भी आपकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो मैटर बहुत सारे होते हैं जो डिस्प्यूट में होता है। अगर कोर्ट उन मैटर में से कुछ मैटर को पहले जो है डिसाइड कर देता है और बाकी के मैटर के लिए उसे लगता है कि अभी मुझे कुछ रुकना चाहिए, मुझे थोड़ी सी और इंक्वायरी करवानी है, मुझे थोड़े से और एविडेंस देखनी है, तभी मैं जो हूँ इसको फाइनली डिसाइड कर सकता हूँ। तो जो शुरू में वो कुछ राइट को और पार्टीज की लाइबिलिटी को डिक्लेयर कर देता है, तो उस वाले जजमेंट को हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। तो प्रिलिमिनरी डिग्री में जो है अभी हमने फाइनली उसको डिसाइड नहीं किया है, अभी हमें थोड़ी सी इंक्वायरी और चाहिए, तब हम डिक्लेयर करेंगे पार्टीज के राइट और लाइबिलिटी को। तो इसका मतलब जो मैटर इन डिस्प्यूट होते हैं, अगर उनमें से कुछ मैटर को हम डिसाइड कर देते हैं और बाकी के लिए अभी हम थोड़ा वेट करते हैं इंक्वायरी की, एविडेंस की, तो इस तरह की डिग्री मानी जाती है प्रीलिमिनरी डिग्री। यही चीज़ बताई गई थी आपकी रीनू देवी वर्सेस महेंद्र सिंह में। अब नेक्स्ट आता है आपका फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री का मतलब है अगर आप केस को, जितने भी मैटर होते हैं सबको बिल्कुल फाइनली डिसाइड कर देते हो, आप उसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देते हो, अब आपको कोई एविडेंस नहीं चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं करवानी है, तो इसका मतलब आपने पार्टीज के जो भी राइट लाइबिलिटीज है उसको जो है एक साथ जो है डिसाइड कर दिया और फाइनली डिसाइड कर दिया है। तो इस तरह की डिग्री जो है आपकी फाइनल डिग्री कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के ऊपर केस दायर किया कि मुझे बी से रेंट लेना है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी को वो यूज़ कर रहा है वो उसका ओनर मैं हूँ। अब कोर्ट ने जो है ए के फेवर में डिसीशन दे दिया कि ए ओनर है और बी उसका टीनेंट है, तो बी को रेंट ए को देना पड़ेगा। अब दोनों पार्टी के राइट और लाइबिलिटी डिसाइड हो गई। ए का राइट है कि वो बी से रेंट लेगा, और बी की क्या लाइबिलिटी है कि वो ए को रेंट देगा, क्योंकि उसकी हैसियत टीनेंट की है और ए की हैसियत जो है लैंडलॉर्ड की है। तो अब यहाँ पे कोई भी पेंडेंसी नहीं है, तो ये कहलाएगी आपकी फाइनल डिग्री। तब आपको क्लियर हो गया होगा प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री में डिफरेंस भी क्या होता है। तो अगर आपसे डिफरेंस भी पूछ लेते हैं तब आपको मीनिंग क्लियर है, तो आप डिफरेंस बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं। भाई, प्रिलिमिनरी में क्या होता है, सारे के सारे जो मैटर इन डिस्प्यूट होते हैं उनको हम, उनके ऊपर डिसीजन नहीं देते बल्कि कुछ मैटर्स के ऊपर देते हैं, और फाइनल डिग्री में जो है सारे मैटर्स पे हम डिसाइड करते हैं। प्रिलिमिनरी डिग्री में हम कुछ मैटर को डिसाइड करके कुछ मैटर को छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब इसमें और इंक्वायरी की ज़रूरत है, हमें इसमें अभी और एविडेंस लेनी है। लेकिन फाइनल डिग्री में अब हम बिल्कुल कंक्लूसिवली जो भी है वो अपना डिसीजन देते हैं,
हम बिल्कुल अच्छी तरीके से हर एक पार्टी के राइट और लाइबिलिटी को फाइनली डिटरमाइन कर देते हैं। तो ये डिफरेंस है आपका प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री में। अब लास्ट आता है हमारा पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री। देखिए, इस डिक्री को समझने में स्टूडेंट्स को जनरली डिफिकल्टी होती है। प्रिलिमिनरी उन्हें समझ जाते हैं, फाइनल भी समझ जाते हैं। अब एक ही डिक्री वो कहते हैं कैसे प्रिलिमिनरी हो सकती है और कैसे फाइनल हो सकती है। तो इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। इट इज़ ए वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ वन डिग्री कैन बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। अब ए ने बी के ऊपर एक केस फाइल किया कि जो लैंड बी के पोजेशन में है, मैं उसका ओनर हूँ, इसलिए वो मुझे लैंड मेरे पोजेशन में दिलवाई जाए। और अब तक उस लैंड से जो मीन प्रॉफिट हो रहा था, मीन प्रॉफिट का मतलब होता है लैंड से जो पोजेशन था बी के पास, उसके हिसाब से अगर उसने कोई उसमें काम किया है और उस लैंड से उसे कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो मीन प्रॉफिट कहलाता है। तो वो कहता है कि वो जो मीन प्रॉफिट है वो भी मुझे दिलवाया जाए। तो उसने दो चीज़ के लिए बोला कि एक तो मुझे लैंड दिलवाई जाए बी के पोजिशन से मेरे पोजिशन में, और जो भी बी ने अब तक का मीन प्रॉफिट कमाया है वो मीन प्रॉफिट जो है मुझे दिलवाया जाए। अब कोर्ट केस डिसाइड करता है, पूरी इंक्वायरी करता है, एविडेंस करता है, तो वो जजमेंट जो है ए की फेवर में देता है। वो कहता है कोर्ट की ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि ए ही इसका लैंडलॉर्ड है, ए ही इस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो इसलिए बी के पोजीशन से लैंड अब ए के पास आ जानी चाहिए और इसका वो ऑर्डर दे देता है। तो अब जो लैंड के पोजीशन के लिए अब उसे कोई भी आगे कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं करनी है, उसने बिल्कुल फाइनली डिसाइड कर दिया कि ए ओनर है, इसलिए पोजीशन भी ए का ही होना चाहिए। और साथ के साथ वो कहता है कि मीन प्रॉफिट के लिए अभी जो है थोड़ी सी इंक्वायरी और की जाए। और किस चीज़ के लिए की जाए कि भाई उसने कितने टाइम तक मीन प्रॉफिट कमाया है और कितना प्रॉफिट कमाया है, उसी हिसाब से जो है फिर वो ए को दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसने जो पोजीशन से रिलेटेड इशू थी वो तो बिल्कुल फाइनली उसको डिसाइड कर दिया कि ए ओनर है, इसलिए पोजीशन भी बी का ना होके ए का होगा। लेकिन मीन प्रॉफिट के लिए उसने कोर्ट ने बोला कि अभी और इंक्वायरी की जरूरत है, क्योंकि हमें ये देखना है बी ने कितने टाइम तक ये मीन प्रॉफिट कमाया है और उसकी वैल्यू क्या है, कितने अमाउंट का कमाया है, तभी हम ये ऑर्डर दे सकते हैं कि बी कितना पैसा एज ए मीन प्रॉफिट ए को देगा। तो यहाँ पे अभी वो कंक्लूसिवली डिटरमाइन नहीं हुआ है, तो ये कहलाएगी आपकी प्रिलिमिनरी डिग्री। तो एक ही डिग्री में अगर आपकी देखिए अगर एक से ज़्यादा इशू है, एक इशू को तो उसने फाइनली डिसाइड कर दिया कोर्ट ने, एक इशू को अभी थोड़ा सा पेंडिंग रखा है, तो इसे मानेंगे कि ये पार्टली प्रिलिमिनरी है और पार्टली आपके फाइनल डिग्री है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ डिग्री क्या क्या होती है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बट आई होप कि आज आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि प्रिलिमिनरी किसे कहेंगे, फाइनल किसे कहेंगे, और एक ही डिग्री कब पार्टली प्रिलिमिनरी हो सकती है और पार्टली फाइनल हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।